मित्रों, उदयपुर में सीधा दृश्य आप देख रहे हैं। आज तो माता का या दर्शन आप कर पा रहे हैं। न जाने सैकड़ों सालों से तो माता इसी प्रकार से पड़ी हुई है। हमारे देश में, भारत देश में सभी को यहाँ सम्मान दिया जाता है। यहाँ पशु पक्षी जीव जंतु, यहाँ तक कि युद्ध में होने वाले संसाधनों की भी यहाँ पे पूजा की जाती है, जिनकी भूमिका होती है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के घोड़े को आज भी पूजा जाता है और उनकी जगह जगह स्मारक लगाई गई है। आप देखें कि उसी ज़माने में, आप देखें कि आज से सैकड़ों साल पहले ठाकुर अमरचंद बड़वा, जो कि महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में जन्मे थे और उन्हीं के जन्म के बाद कैसा मेवाड़ में ऐतिहासिक काम किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में उदयपुर को सुरक्षित करने के लिए ये प्राचीन दीवारें बनाई हैं। इतनी मजबूत दीवारें हैं कि शायद तोबे भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, इतनी मजबूत और ठोस दीवारें बनाई गई हैं। दीवारें आप देखें कि कितनी चौड़ी है, इनकी मोटाई आप देखेंगे। और उसी ज़माने में ठाकुर अमरचंद बड़वा ने अपनी कौशल नीति को करते हुए, युद्ध नीति को करते हुए तोबों का निर्माण किया और ये इसमें से ये एक तोप माता है। न जाने कितनी तोबे यहाँ मेवाड़ के, उदयपुर के अलग अलग हिस्सों में आप ऊपर देख पा रहे हैं। माछला मंगरा है, वहाँ पे भी कई तोपे मौजूद है और यहाँ पर ये बड़ी तोप मौजूद है। कहते हैं कि इसकी तोप की जो गोले मारने की क्षमता है वो 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर की क्षमता थी और इसीलिए आज मेवाड़ की इस तोप को सुरक्षित किया गया है और इसकी नियमित पूजा की जाती है। यहाँ पर आसपास के नगरवासी आते हैं, नमन करते हैं। दूर और दुनिया, देश और दुनिया के लोग भी यहाँ आकर तोप के दर्शन करते हैं और इस तोप के बारे में ऐतिहासिक जानकारी लेते हैं। तोबे की आप मुंह देखेंगे तो तोप इस तरफ इसका मुंह है, इधर से आने वाले शत्रुओं का नाश ये कर देती थी। और न जाने कितने ही पहाड़ों पर अलग अलग तोपे अलग अलग दिशाओं में लगी हुई है और अलग अलग उनके हिसाब से वो जो है गोले फेंकती थी। यहाँ पर पूजा अर्चना की भी अच्छी व्यवस्था है और नियमित यहाँ पर पूजा जो है वो की जाती है। और पूजा के लिए तो आप देख पा रहे हैं कि तोप माता की किस प्रकार से यहाँ विधि विधान से मालीपना लगाया गया, सिंदूर लगाया गया और इसको पूरा पूजा किया जा रहा है। आप उस ज़माने में अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इतना भारी भरगम लोहा कहाँ से वो लाए होंगे, कैसे ढाला होगा, कैसे इसको साँचा होगा, कैसी नीति, और बिल्कुल आज के इंजीनियर दिमाग की तरह उन्होंने काम किया। और उस ज़माने का एक अद्भुत ये हमें तोहफा मिला है, जिसकी सेवा पूजा भी हमारे यहाँ के युवा करते रहते हैं। आपका नाम क्या है? हाँ जी, क्या है ये और कितनी भारी होगी आप बताइए। अब इसका तो आइडिया हमें भी नहीं है, कभी तो उठा के देखा है नहीं, उठा दें तो कभी बचपन से आज दिन तक तो यही देखा है। जिस स्थान पे हम खड़े हैं करीब धरती तल से ये करीब करीब 50 फीट ऊपर होगा, कैसे इसको लाए होंगे यहाँ तक? ये तो इतना हमें भी आइडिया नहीं है कि कहाँ से लाए होंगे, हम तो बचपन से ही यही देखते हैं। आज तो जैसी भी मिल जाती है, मशीनें मिल जाती है, लेकिन उस जमाने में कैसे व्यक्ति रहे होंगे इस तोप को उठा के यहाँ तक लाए और इसमें गोले डाले जाते थे और ये 12 से 15 किलोमीटर तक मार करने वाली जो है तोप है, इसके बारे में हमेशा सुनते आ रहे हैं। आपको क्या लगता है आज के युग को देखते हुए कि उस जमाने में भी इंजीनियर बड़े जोरदार थे? बिल्कुल, आज के इंजीनियर से तो ज़्यादा समझदार पुराने वाले इंजीनियर होंगे। जो आजकल तो क्या मशीनों से सारा काम होता है, पहले तो हाथों से काम होता था, तो पहले के इंजीनियर ज़्यादा पावरफुल थे। हम तो पत्थर को भी पूज देते हैं और ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। कैसे होती इसकी पूजा विधि विधान से क्या करते हैं? यहाँ पे हर शनिवार रविवार पूजा होती है इनकी, वही इनका प्रसाद होता है वो चढ़ता है। नवरात्रि में होती है इनकी पूजा, 9 ही दिन तक नवरात्रि होती है यहाँ पे, जो भी इनके होता है वो सब काम होता है यहाँ पे नवरात्रि में। तो आप देखिए कि ये तोप माता है और बता रहे भैया कि नवरात्रि में 9 दिन यहाँ पे पूजा की जाती है। आखिर ऐसा क्या है तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे इस भारत देश में हम पत्थर को भी पूजते हैं, जिन्होंने हमारे युद्ध में साथ दिया उनको तो हम कभी नहीं भूलते हैं। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का घोड़ा, उसे भी हम नहीं भूलते, उसकी भी जगह जगह हम स्मारक लगा रहे हैं, उनको आरती और पूजा की जाती है। नाम क्या आपका? कैसा लगता है यहाँ आते हो तुम? अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं कि आप इतना इन युवाओं के थोड़ा सा प्रेरणा लीजिए और उदयपुर में जितनी भी धरोहर है उनको बचाने का काम कीजिए। ये आपकी अपनी धरोहर है, आपकी अपनी संस्कृति है, ये आपके अपनी परंपराएं हैं, इनको बचा के रखिए। और कहीं भी अगर धरोहर मुसीबत में है तो उसको संवारने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तोप माता।